हमेशा की तरह काम खत्म कर रूम आ ही रहा होता हूँ। मैं सोचता हूँ क्यों ना आज ऑफिस के कैंटीन में ही बिरयानी खाया जाए। फिर क्या, बिना लेट किए पहुँच जाता हूँ कैंटीन। यहाँ आते ही सबसे पहले हमें लेना पड़ता है टोकन। फिर यहाँ की भीड़ को देखते हुए मैं सोचता हूँ क्यों ना पार्सल करा दूं। घर पर आराम से मूवी देखते हुए खाऊंगा। टोकन देने के बाद पैकिंग करने में कुछ समय लग ही रहा होता है कि तब तक मैं कैंटीन का छानबीन कर लेता हूँ, जहाँ मुझे हमारे ही ऑफिस के काफी सारे भैया खाते हुए देखने को मिलते हैं। और फिर पार्सल लेकर बिना देर किए हुए मैं पहुँच जाता हूँ रूम। बात बिरयानी की हो और मुँह में पानी ना आ रहा हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। फिर क्या, बिना लेट किए हुए बिरयानी को निकालते हैं प्लेट में और डायरेक्ट डालते हैं इसे पेट में। टेस्ट की बात करूँ तो कैंटीन का बिरयानी काफी टेस्टी। इसी बात पर थैंक यू कैंटीन वाले भैया। और शाम में फिर मैं बनाता हूँ मॉकटेल, जो मार्केट में हमें 150 से 200 में मिलती हो, वो घर पर 15 से 20 रुपए में बन जाए तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।